वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मैं हूँ आज एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया के हेड ऑफिस में, जो है मुंबई के कुर्ला ईस्ट में। ये स्टिल वाटर एक्वेरियम्स गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। मयूर सर की खुद के वीडियोस की तरह आज भी वही एक्वेरियम टिप्स देंगे, जानेंगे उनसे कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाने का रीजन और करेंगे गैलरी का टूर। मयूर सर, आप वैसे क्या कर रहे हैं अभी? मैं टाइम पास, ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम पास है। मैं शाम को हर रोज, मुझे ये प्लांट्स में पानी स्प्रे करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज समथिंग, इट्स पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। अगर मैं मुंबई में हूँ तो रोज शाम को मैं इनमें स्प्रे करता हूँ, बिकॉज ये जनरली बहुत डस्टी एरिया है, तो यू नो इसको पानी डालते रहोगे तो अच्छा ग्रीन एंड ये अच्छा भी दिखता है ना। सी, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। सर, जो अब ये पानी दे रहे हैं ये क्या है? बेसिकली टैंक राइपेरियम पैलेडेरियम क्या है? ये बेसिक एक्वाफोनिक्स। ओके, ठीक है। जहां से या पीछे वाटरफॉल है, ये पानी ऊपर वाटरफॉल होता है और ये प्लांट्स पूरा उसका रूट्स जो है वो वाटरफॉल से पानी लेके ग्रो करते हैं। इस प्लांट का एक यूनिकनेस है, दिस इज अ फाइलोडेंड्रॉन स्पीशीज, एंड जिन लोगों ने अमानो सर का बड़ा टैंक, बिग टैंक देखा है 13 फीट वाला उनके घर का, ये उसमें से मुझे एक कटिंग मिला था। ओके, और आज तक मेरे पास है, ऑलमोस्ट 10 साल हो गया वो कटिंग मिलके। ये वही प्लांट है, अमानो सर के टैंक से ही आया है। आई थिंक सर, इस लोगों ने अमानो सर का नाम सुना है, शायद इसकी स्पीशीज भी जानना चाहेंगे, फिलोडेंड्रन की कौन सी है? एग्जैक्ट स्पीशीज मुझे पता नहीं है, बट इट्स अ कॉमन फिलोडेंड्रन स्पीशीज, बट जापान में शायद ज्यादा मिलता होगा। ये शायद इंडिया का मोस्ट फेमस फ्लावरन, मिस्टर शेरुबाई। इनका एक और चीज बहुत यूनिक ये है कि ये कोई भी, आज तक इन पे हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया है, कोई स्टेरॉइड यूज नहीं किया है, कोई हार्मोन यूज नहीं किया है, 100% नेचुरल खाने के साथ, एंड वी हैव नॉट यूज्ड एनी, ना ब्लू मेडिसिन ग्रीन मेडिसिन कुछ नहीं। ओके, एंड दिस इज हाउ ही इज, आई थिंक ही इज अबाउट 1.5 to 2 years नाउ, एंड अभी रिसेंटली हमने ये बड़ा टैंक डाला है ताकि वो अच्छे से ग्रो भी हो सके। शेरू भाई से मिलने के बाद हम आ गए प्रोडक्ट एरिया में, जहां मुझे देखे लाइट्स, फिल्टर्स, CO2 किट, फिश फूड एंड अदर एक्वेरियम प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉपुलर ब्रांड्स लाइक टीका, EIM, वास, सी कैम्प, सनकिन गार्डन, लाइफ आयु, एक्वा नेचर एंड मेनी मोर। ज्यादातर मुझे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तो सर इसके पीछे का आइडिया क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग दीज प्रोडक्ट्स, एंड क्या ये कंप्लीटली या 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं? यस, 100% मेड इन इंडिया, हर एक इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग डब्बा, ओके, स्टिकर, सब कुछ इंडियन है। सी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सस्ता प्रोडक्ट मिलता है चाइनीज अगर लेते हैं तो, एंड आदत लग चुका है लोगों को, वो वही सेम खिलाते खिलाते आदत लग चुका है। ओके, दे डोंट रियलाइज दैट चाइना वाला या कोई भी दूसरा कंट्री वाला हमारा कोई रिश्तेदार, मामा, चाचा नहीं है, एंड इंडिया के लिए नहीं बनाते वो लोग। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेड फॉर फॉरेन कंट्रीज। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल पॉपुलर ये जो APT फर्टिलाइजर्स है, ओके, ये दिस इज डिजाइंड मेनली फॉर कंट्रीज और सिटीज दैट हैव सॉफ्ट वाटर, एंड अगर आप देखो तो मोस्ट एशियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में ही सॉफ्ट वाटर है, इंडिया में ज्यादातर हार्ड वाटर, राइट? ठीक है, तो वो हाउ डज इट मेक सेंस? सो नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इंडिया। ओके, सो हमारे प्रोडक्ट्स जो है ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बनाया गया है, ओके, फॉर इंडियन ऑडियंस, फॉर इंडियन यूजर्स। जैसे अगर आप ये लो, संकन गार्डन का जो फर्टिलाइजर है, ओके, इट इज डिजाइंड फॉर हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सो जहां पे आप सॉफ्ट वाटर में हैं, तो आप उधर भी काम करेगा, हार्ड वाटर सिचुएशंस में भी काम करेगा। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फिश फूड वगैरह, ये मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहता हूं बिकॉज ये आपके गांव से रिलेटेड है, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिकली द डिजाइन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम एन इंडियन आर्ट कॉल्ड गोंद। ये गोंद आर्ट ज्यादातर मध्य प्रदेश एंड जहां पे आपके दोस्त देव भी आते हैं, ठीक है, एंड उसी समुदाय से बिलोंग करते हो आप। सो इट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर मी एंड यू कि हम अपने देश की चीजें हम दिखा सके। एंड ऑल्सो आई हैव अ प्रॉब्लम, यू नो, इन द सेंस हर एक खाने पे इंडिया में बिकता है, हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं, चाइना को पैसा देते हैं ताकि वो अरुणाचल प्रदेश लद्दाख लेके जाए। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। बट मैं अपना देश का, अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड, सी ऑल दीज प्रोडक्ट्स, दिस इज द ओनली ब्रांड इन द वर्ल्ड जो हिंदी में है एंड ऑल 11 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जैसे कि एक रूपी नोट में होता है वैसा सब लैंग्वेजेस में यहाँ पे आयु लिखा हुआ है, ओके, बिकॉज ये इंडियन है, राइट। नाउ बहुत सारे कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो चाइना से मंगा के डब्बे में डाल के बोलते मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, बट यू नो ऑडियंस समझदार है, राइट। सो इंडिया खरीदो, इंडियन खरीदो, बी वोकल फॉर लोकल। और भी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है फिश फूड के अलावा, वी हैव डी-स्ट्रेस विटामिन्स, दिस इज प्रोबेबली आवर बेस्ट प्रोडक्ट टिल डेट, 100% आयुर्वेदिक, nobody else has this in the world, right? Yes, okay, sir. This is one product can cure almost all diseases, everything internal this will cure, external jo bhi hai ye cure karega, jo body ke upar ye cure karega, body ke andar ye cure karega. Then we also have test strips which are very popular, see because bahut log kya karte hain, see ये चाइना वगैरह से आता है, लेट्स नॉट गो बाय द नेम, बट ये चाइना वगैरह से आता है या दूसरे कंट्री से आता है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव एंड एक हॉबीस्ट को वाटर चेक करना जरूरी होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड अ स्मॉलर पैक, ओके, राइट। सो इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। बेसिकली जो भी सर ने बोला एंड आई थिंक मेरा माइंडसेट भी उस चीज को लेकर सेम है, बहुत सारे आइटम्स जो चाइना से आते हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं, वेदर इट बी लाइट और समथिंग एल्स, तो ये चीज हमें भी खुद ऐसा माइंडसेट सेट करना पड़ेगा कि आपको मेड इन इंडिया चीज यूज करनी है कि मेड इन चाइना यूज करनी है। हमारे लोग को एक बुरी आदत है भाई, ठीक है, जब तक गोरे प्रमोट नहीं करते खरीदते नहीं है, ठीक है, इंडियंस बोलते हैं तो गलती होता है, राइट। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली वी डोंट ट्रस्ट इंडियंस, राइट, इंडियन प्रोडक्ट्स हम लोग ट्रस्ट नहीं करते, चाइना वाला देगा तो हाँ अच्छा है, यू नो, अच्छा एंड सस्ता दो अलग अलग चीज, राइट। सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल, 90% मार्केट में जो एल्गे वेफर्स मिलता है इज ओनली स्पिरुलिना बेस्ड, ओके, सिर्फ स्पिरुलिना एक प्लेको के लिए, श्रिम्स के लिए इज नॉट इनफ, इट इज लिमिटेड, बहुत कम है, ठीक है, स्पिरुलिना पाउडर ऐड कर देते हैं, बाकी तो मैदा और आटा है, ये 100% एल्गे है, इसमें 3 से 4 वेराइटी के सिर्फ एल्गे है, स्पिरुलिना भी है बिकॉज वो भी जरूरी है, प्लस मरीन रेड एल्गे, 2-3 और चीज है जो एक्चुअली एल्गे वेफर्स होना चाहिए, एक्चुअली एल्गे वेफर्स में होना चाहिए, एंड ये एक्चुअली प्लेकोस को सही खुराक देता है, ओके, पीपल फॉरगेट दैट प्लेकोस आर ओमनिवोरस, दे आर नॉट हर्बीवोरस, राइट, तो उनको फिश मील भी चाहिए और एल्गे भी चाहिए, right. चलो गैलरी देखते हैं। तो गाइस अब हम गैलरी में आ चुके हैं, यहां पे इस सेक्शन में आपको दिखेंगे टैंक्स और यह सर का स्टूडियो भी, जितने आप वीडियो सर के यूट्यूब चैनल में देखते हैं वो सारे सारे यही रिकॉर्ड होते हैं। तो आज हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं टैंक्स रिलेटेड और कुछ ऐसी चीजें जो आज तक अभी आपने देखी नहीं है। तो सर ये जो टैंक है आपके पीछे, सर ये कितना बड़ा टैंक है और वीडियो में आई थिंक जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा दिख रहा होगा ये टैंक, ना सिर्फ इसकी डिजाइन, आई थिंक ओवरऑल एलिमेंट्स वाकई में काबिल तारीफ है, तो अगर आप इसके डिजाइन रिलेटेड कुछ इनपुट देना चाहें सर व्यूअर्स को या लेआउट रिलेटेड तो वो क्या हो सकता है? पहले तो ये 6 फुट का टैंक है, ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं ताकि पब्लिक को समझ में आए, ओके, विड्थ 1 फीट ही है एंड हाइट जो है 1.5 फीट है, नो बिकॉज विड्थ कम है, एक हमें एक एक्सपैंडेड डिजाइन चाहिए था जो एक्चुअली यहां से आपको लगना चाहिए कि बहुत पीछे तक है या बड़ा टैंक,
2 फीट का टैंक है या 3 फीट का टैंक है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड अ ब्लैक बैकग्राउंड, ज्यादा बड़ा दिखेगा, डेप्थ दिखेगा. ऑल्सो ये जो स्टोन हमने यूज किया है, इसको वो हकाई स्टोन बोलते हैं, ओके, एंड बिकॉज इट्स गॉट द राउंडेड इफेक्ट, वो एक लेयर्स बनता है उसमें, ओके, सो अगेन डेप्थ देता है. देन ऑफकोर्स द कलर्स, द गैप्स, सो कहां पे ये पूरा हाइट है, ये पूरा डाउन है, सो इट गिव्स यू अगेन, इट फील्स डिफरेंट. नाउ डिजाइन, बहुत लोग मैंने सुना है कि ये इसका डिजाइन है, ये उसका डिजाइन है, अमानो का डिजाइन है, वो डिजाइन है, बस वो सब अच्छा है, आप अपना डिजाइन बनाओ ना, ठीक है, ये मेरा डिजाइन है, एंड बेस्ट पार्ट इज मुझे देखने में अच्छा लगता है, बिकॉज आपका एक्वेरियम आपके घर में आप देखने वाले हो, ठीक है, एंड अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो मतलब क्या हुआ. सो इन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम एवरीवेयर, ओके, कॉमिक बुक हो सकता है, मूवी हो सकता है, नेचर हो सकता है, एक पोस्टर हो सकता है, फोटो हो सकता है, इंस्पिरेशन कहीं पे भी मिले तो ले लो, और कोशिश अपना होना चाहिए कि मैं अपना कुछ बना रहा हूं. तो ये जो टैंक सर हम देख रहे हैं, इसमें काफी सारे प्लांट्स हैं और प्लांट्स काफी बुशी हैं, जो कलर्स भी दिख रहे हैं उनके काफी रिच हैं, तो इसमें सर फर्टिलाइजर वैसे कौन सा यूज कर रहा है? फर्टिलाइजर हमारा खुद का बनाया हुआ है, दिस इज येट टू बी लॉन्च्ड, शायद पहली बार किसी के वीडियो में ये फर्टिलाइजर दिख रहे हैं, ओके, बिकॉज मैंने अपने वीडियोस में भी नहीं दिखाया है, ओके, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स. यहाँ पे हम हमारा गुड ग्रो एंजॉय यूज कर रहे हैं, ओके, इट्स अ 4-पार्ट फर्टिलाइजर्स, स्टार्ट, ओके, ग्रो, बूस्ट and enjoy. So this is for the first 15 days, okay, and then this is for the next 60 days, matlab 15 to 75 days. Then ye boost hai jo next, okay, you know, a couple of 100 days which you can use, so 165 days, 90 days actually. And then finally enjoy, jo aap continuous use kar sakte. It's like an all in one fertilizer, okay, but it's time based, because स्टार्टिंग में प्लांट्स को अलग जरूरत होती है, अगेन इंडियन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, ओके, राइट अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, इंडियन वाटर कंडीशंस. तो ये ऑलमोस्ट मैं ये टैंक पे कुछ 2 साल से टेस्ट कर रहा हूं, ओके, एंड रिजल्ट आपके सामने है, ओके, वी हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ मोंटे कार्लो, ग्लॉसोस्टिग्मा, क्रिप्टोकॉन्स, ब्यूसीफ्लांद्रास, आप नजदीक आओगे दिखाओगे तो ब्यूसीफ्लांद्रा का कलर्स आपको बहुत सुंदर दिखेगा, ओके, प्लस ऑफ कोर्स वी हैव रोटाला स्पीशीज, अनुबियस है, क्रिप्टोकॉन पिंक है, क्रिप्टोकॉन लूसेंस, बहुत सारा वैरायटीज का प्लांट्स है इसमें, सिंपल भी है, सिंपल मॉस भी है, सब कुछ है, राइट. तो सर मेरा इसमें एक ये क्वेश्चन है कि आपने जो फर्टिलाइजर बनाया इसे टाइमली क्यों रखा है, इसके पीछे कोई बड़ी रीजन है? सिंपल रीजन है बेटा, बड़ा रीजन कुछ भी नहीं है. सी, ज्यादातर लोग क्या करते हैं आज के डेट में, मार्केट में जाके प्लांट्स खरीद के लेके आते हैं, 80% प्लांट्स एमर्स्ड होता है, ठीक है, टिश्यू कल्चर हो या नॉर्मल प्लांट्स हो, एमर्स्ड ही मिलता है. नाउ हमें चाहिए कि पहले 15 दिन में टैंक साइकिल हो, अच्छे से साइकिल हो, राइट अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया हो, एंड ऑल्सो रूट्स अच्छे से पकड़े. सो ये जो स्टार्ट है हमारा वही करता है, प्लांट्स को रूट्स ग्रो करने में इंस्टिगेट करता है एंड टैंक को साइकिल करता है, ठीक है, ओके, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वही जरूरत है. अगेन दीज आर डिजाइन टू वर्क फॉर बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इसमें जो भी हम लोग यूज करते हैं, इंग्रीडियंट्स जो यूज करते हैं, अगेन नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, वी डोंट यूज अननेसेसरी केमिकल्स, ओके, बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज है जो सिर्फ केमिकल्स बेचते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर यू, ओके, ये इसमें केमिकल्स नहीं है. देन व्हेन यू कम टू द ग्रो पार्ट, लाइक इट सजेस्ट, जैसे उसका नाम है, ग्रोथ इंक्रीज करता है, स्टेम लीव्स का ग्रोथ इंक्रीज करता है, देन बूस्ट, इट बूस्ट द ग्रोथ ताकि एक लेवल से ऊपर आए, एंड देन फाइनली एंजॉय इज कंटिन्यूसली. आप एक ही फर्टिलाइजर यूज करते रहो बिकॉज आपका ग्रोथ मिल गया है. नाउ ये ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर वी आर यूजिंग ओनली एंजॉय, ओके, बिकॉज एंड एंजॉय बिकॉज यू वॉन्ट टू एंजॉय, राइट,
ठीक है। तो सुबह में फर्टिलाइजर डाल दिया, खत्म। एक ही फर्टिलाइजर, 10 का वैरायटी का नहीं है, सिंपल वैरायटी है। एंड सम ऑफ द अदर टाइम्स हम लोग हमारा संकन गार्डन का यूज करते हैं, ठीक है। अगेन दीज आर इवन मोर सिंपलर फर्टिलाइजर्स, एंड बेस्ट पार्ट इज इसमें CO2 का जरूरत नहीं है। So, जितना भी हमारा ग्रीनिंग कॉन्सेप्ट है, लोटेक है, यू नो नैनो टैंक्स है, जो CO2 नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए बनाया गया है। अगेन इसमें ग्लूटराल्डिहाइड जैसे केमिकल्स नहीं है। अगेन अमेरिकन कंपनीज केमिकल्स बेचते हैं, कार्बन लिक्विड, ये लिक्विड वो लिक्विड करके, इट्स नॉट केमिकल्स, दीज आर कार्बन आयन्स है, यूनिक है, जो प्लांट्स इजिली अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए आपको CO2 का जरूरत नहीं पड़ता। तो गाइस हम बाकी टैंक्स भी कवर करते जाएंगे और ये एक टैंक आप देख सकते हैं। इट इज मोर लाइक अ पैलोडेरियम, आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें एक फिश है विच इज अ नेटिव इंडियन फिश। मूविंग ऑन टू अ डिफरेंट टैंक, दिस वन। इस टैंक में आप देख सकते हैं बल्बाइटिस इज देयर, which is a favorite plant of my user. See how beautiful and green it is. And then we have another cube tank here. एक ही corner में आप देख सकते हैं ये एक paludarium style का tank है। जो प्लांट्स हैं इनमें से कोई एक्सोटिक प्लांट भी है या फिर इंडियंस है? चॉकलेट एंथोरियम। सो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक, सेमी एक्वाटिक, गार्डन, सब कुछ है इसमें, ठीक है। इसमें सब वैरायटी के प्लांट्स हैं, ठीक है। फर्न्स भी है, मॉस भी है। एक एक ट्रायल था, कुछ ट्राई करने का कोशिश था एंड अच्छा आ रहा, सो दैट्स अ नाइस थिंग। एक क्वेश्चन और है सर, ऐसे टेरेरियम्स या पैलेडोरियम्स बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि ये कोई एक स्पीशीज को पकड़े। आप इंडियन प्लांट हो सकता है, आपके गार्डन प्लांट्स कोई भी हो सकते हैं, उनसे भी एक अच्छा पैलेडोरियम बन सकता है। डेफिनेटली सी, अगर आप प्लांट्स के बारे में पहले समझो कि वो प्लांट कैसे ग्रो होता है, उसकी जरूरतें क्या है, ओके, देन ऑटोमेटिकली वो ग्रो होगा। सी बिकॉज अभी आप यू नो लॉन में जो लगाते हैं ग्रास, वो लेके आके इसमें एक्वेरियम में डालोगे तो मर जाएगा, ठीक है। और इसका ग्रास लॉन में नहीं डाल सकते। वैसे ही हर एक प्लांट का एक जरूरत होता है। ज्यादातर हम यूज करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट्स, बिकॉज उनमें थोड़ा ह्यूमिडिटी भी चाहिए, पानी एक्स्ट्रा चाहिए, तो ज्यादातर वी यूज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टैंक, बट इससे पहले सर मैं पूछना चाहूंगा, रिसेंट में आपकी US की ट्रिप हुई, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मीटिंग अदर हॉबीज फ्रॉम US? Jeff is a very big name, as we all know, and you had a conversation with Father Fish as well. So, sir, आपको personally कैसा experience लगा? And ऐसे कुछ difference लगा in terms of aquascaping कि ये different है हमारे यहाँ और उनके यहाँ पे? नहीं, passion तो equal है। Passion हमारे यहाँ पे भी है, उनके यहाँ पे भी है। Difference अगर आप पूछो तो simple point है is that वो लोग homework करते हैं। They understand the concept before making anything. हम लोग थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, ठीक है, that's what I believe. वो सोचते हैं, सोच के आइडिया लगाते हैं, that's the only difference. But passion equally high, ठीक है. Of course, Jeff के साथ हमने एक पूरा दिन स्पेंड किया, we went to many places. वहां पे एक एग्जीबिशन था सुपर जू, वहां पे गए, प्लस वी वेंट टू सम वेरी बिग शॉप्स, काफी सारे वीडियोज है मेरे चैनल में, सो यू कैन सी दैट. And you know, it was an interesting experience because बहुत सारे videos नहीं है जिन लोगों से मैं मिला था, okay? Discuss America करके मैं उनसे मिला था, काफी लोगों से मिला था मैं, but experience was amazing. They have a sense of क्या बोलते हैं, एक sense of ownership, एक sense of cleanliness, एक you know अपना है, अपना जगह है, अच्छा रखते हैं, accountability, कुछ भी, yeah, accountability also. Because they will not sell you sick fish. Yeah, but that's something I think we are also improving. Yeah, or I mean, I will anyway say India is better.
okay, any given day I'm happier here, okay, because ye apna log hai, apna desh hai yaar, why go and struggle there? Correct. ye wala tank jab ka jo greening concept hai usse inspired tha, iska ek video bhi hai, okay, and ye aaj ka status hai. You know, we have used a lot of plants that actually कहते हैं कि needs soil, but let's see क्या होता है. जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा क्रिप्टोकॉन डाला है, क्रिप्टोकॉन लूसेंस, अल्टेनंथ्रा रेनिकी मिनी, I don't know if it will grow, मुझे पता नहीं, okay, but I hang the back लोबेलिया कार्डिनालिस, these are all plants that need soil, but मैं try करने वाला हूँ, okay, I mean कोशिश करो ना कुछ हो ही जाएगा. Right. And sir, ये जो कैबिनेट है, is this the OAS cabinet? This whole system is OAS, except for the light. Okay, this is the OAS tank, which is the 45 degree melted opti-glass tank, which is, in my understanding today, the best quality in the world. Okay, the glass quality is better than ADA also. Okay. I mean, not because I'm इतना साल मैंने ADA का किया है, but I like this better. I mean, यहाँ पे examples भी है. Okay. Plus, even cabinet is completely OAS. Yeah. This whole thing is an OAS cabinet. Very beautifully designed. Extremely well designed. ये सब magnetic है. तो ये tools वगैरह रखने के लिए वो चिपक जाता है वहाँ पे. Okay. So it's easy to keep. I mean, बाहर गंदगी नहीं होता है. अंदर ही रख दिया और you know उसको बंद कर दिया. So बाहर कुछ भी you know. Everything is inside. Right. Yeah. Very organized. Yeah. Nicely done. Well thought out. So in this section, we can see there are some terrariums. जो हमने थोड़ी देर पहले टेरियम्स को लेके ह्यूमिडिटी की बात करी, this is one of the reason जो इसमें आपको ओस दिख रही है इतनी, थोड़ा सा ग्लास पे जो फॉगिनेस है. This one seems to be more like an experiment. या तो कुछ तो experiment चल रहा है, as you can see. And then over we have another tank which is also a part of experiment. तो सर इसमें आप ऐसा क्या experiment कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि बोलूँ कि ना बोलूँ, but चलो आई गिव यू द क्रेडिट. ये अगेन पहली बार किसी ने वीडियो शूट किया है. दिस इज आर ओन इंडियन मेड सॉइल. ओके, दिस इज यू कैन कॉल इट द फाइनल एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे बेसिकली वी आर टेस्टिंग सर्टन काइंड ऑफ प्लांट्स, ओके, एंड देयर रूट ग्रोथ, एंड कितना जल्दी रूट पकड़ता है वो हम टेस्ट कर रहे हैं. ओके ओके, सो पिनसेट. So for example, अगर ये हम मकरांद्रा स्पीशीज हम लेते हैं, तो दिस इज अबाउट 1 week ओल्ड. ओके, एंड यू कैन सी द न्यू रूट्स हियर. सी, दैट इज वॉट वी आर टेस्टिंग. ओके, हाउ सून द रूट्स विल कम. ओके, एंड हाउ सून दिस विल ट्रांसफॉर्म. राइट, दैट्स वॉट वी आर सीइंग. वैसे सर कितने प्लांट्स की वैरायटीज आपने इसमें ऐड करी है फॉर द एक्सपेरिमेंट? इसमें आई थिंक देयर आर अबाउट 18 वैरायटीज. ओके, 18 डिफरेंट वैरायटीज है. दिस इज आवर फाइनल टेस्ट. वी हैव डन मोर देन अबाउट 150 टेस्ट. ओके, ऑन द सॉइल वी हैव बीन टेस्टिंग फॉर द लास्ट 1.5-2 years. ओके, सी हमें जरूरत है अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट जो इंडियन कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो. राइट, ठीक है, ये प्रोडक्ट वो है. इट डजेंट मैटर आप हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, या इट जस्ट डजेंट मैटर अबाउट ऑल दोज थिंग्स. ओके, आपको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ये वो एड करने का जरूरत नहीं है. सॉइल टेक्स केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगेन इट्स बेस्ड ऑन हाउ यू नो इंडियन सिचुएशन में अगर कोई प्रोडक्ट काम करना है तो क्या चीजें हैं, एंड वी बीन परफेक्टिंग इट, वी बीन अपग्रेडिंग इट. Now, अगर मैं बोलूं कि ये आज के डेट में वर्ल्ड का बेस्ट सॉइल है तो लोग समझेंगे मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, बट एक्चुअली ये फैक्ट.
Okay, we've got better results than any other soil in the world right now. So how soon can we expect this product in the market? Hopefully in a couple of months. Okay. Because once this test gets confirmed, then we'll be ready to launch. And it's tank mein na sirf green plants, there are red plants as well, as you can see. And soil related sir, ek aur question hai. Jaise market mein there are some soils jo ek shrimp based soil ke naam se bhi bolte hain, shrimp soil. Usko alag category kar diya. I don't know if it's sahi hai ki nahi hai. It's just simple hai. Don't get confused by all this. Theek hai? जो सॉइल प्लांटेड में नहीं बिकता है वो श्रिम सॉइल बनता है. दिस इज अ वेरी चाइनीज एटीट्यूड. ओके, वेरी वेरी चाइनीज एटीट्यूड. ठीक है, ऑफ ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट. ओके, हाँ, देयर इज वन वैरायटी ऑफ श्रिम सॉइल दैट इज अवेलेबल इन जापान, क्रिएटेड बाय अ जेंटलमैन हूज आई मैं उनका नाम बोल रहा हूं. ओके, बट वो क्वालिटी एक्चुअली अच्छा है एंड इट्स नॉट अफोर्डेबल बाय अस. ओके, बिकॉज दैट इज बेसिकली फॉर crystal reds and crystal blacks. Okay. It's a very, very high quality product because usme soil mein bacteria hota hai jo shrimp kha sakta hai. Okay. The soil is something that the shrimp can eat. Okay. So that is why it is workable. Jo aaj local mein aapko milta hai market mein, don't get confused by all that. दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें टू सपोर्ट माय वर्क, बिकॉज ऐसे वीडियोस बनाने में टाइम, पैसा एंड एफर्ट बहुत लगता है. और अगर आपको मेरे वीडियो से सही एक्वेरियम नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर डेली एक्वेरियम टिप्स एंड हाई क्वालिटी फिश वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स. इसके अलावा आप मेरा एक्वेरियम हॉबिस्ट कम्युनिटी वाला व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे एक्वेरियम रिलेटेड सवालों के जवाब मिलेंगे फॉर फ्री. एंड अगर आप भोपाल या इंदौर से हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू ज्वाइन द ग्रुप. ये है एक मरीन टैंक. मैं सर से पूछना चाहूंगा, सर इसमें क्या ऐसी यूनिक चीज है? ये एक्चुअली एक मेरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है. ठीक है, मैक्रो एल्गे के साथ, मैक्रो एल्गे सीवीड जो जानते हैं वो भी मैक्रो एल्गे है, या सॉल्ट वाटर प्लांट्स बोलते हैं हम लोग. ये हमारे फ्रेश वाटर प्लांट्स जैसे ही ग्रो होते हैं, तो यहां पे मैं सीख रहा हूं. ओके, अभी भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आ रहा है, कुछ आइडियाज है जो मैं ट्राई कर रहा हूं. एंड दिस इज माय मैक्रो एल्गे टैंक. ओके, अगेन दिस टैंक द यूनिक थिंग इज बाहर से कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं है, सब इधर ही है. पानी इधर से अंदर जाता है एंड इन पाइप से, तीन पाइप है, इन पाइप से बाहर आता है. एवरीथिंग इज इन द सेंटर एंड इसके नीचे सम्प है. This is the workplace and as you guys can see, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे. जो शेल्फ आप देख रहे हैं, I see a lot of interesting things over here. There is a portrait as well. And of course, the YouTube channel button is over here. And चलिए मयूर सर से ही डायरेक्ट पूछते हैं कि सर क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये. क्या है ना, जब हम ट्रैवल करते हैं कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते हैं, यू फाइंड इंटरेस्टिंग थिंग्स. ओके, तो उठाने का मन करता है तो लेके आ जाते हैं. एंड ये काफी सारे चीजें हैं जो लोगों ने मुझको दिया है. वो पोर्ट्रेट किसी ने बना के दिया था दिल्ली में, एक हॉबीस्ट ने मेरे लिए बनाया था, वो आर्टिस्ट है. एंड एक बॉबल हेड है, वो भी किसी ने बनाया था मेरे लिए. सो दीज आर मोस्टली थिंग्स या कलेक्टेबल्स जो लोगों ने मुझको दिया है, गिफ्ट जैसे दिया या मैंने इधर उधर देख के कलेक्ट किया है. एंड अच्छा है, लाइक गैलरी में भी आप देखोगे तो एक ब्रूसली स्टैचूज का कलेक्शन है. ये सब मेरे पर्सनल चीजें हैं, हॉबी समझो. ठीक है, अभी हॉबी काम बन गया है तो हॉबी कुछ और चाहिए, तो ये हॉबी समझो. तो दोस्तों मयूर सर का वीडियो और पूजा मैडम ना रहे तो वीडियो अधूरा ही रहेगा, इसलिए उन्हें भी इस वीडियो में शामिल कर लिया. आज हमारे साथ पूजा मैडम भी है, असिस्टेंट डायरेक्टर मयूर सर के वीडियोस की.
और आज ये कैमरा के फ्रंट में है, अक्सर बैक में रहती है बट आज फ्रंट में भी है। तो पूजा मैडम से मेरा ये क्वेश्चन है, जो ये टैंक उनके पीछे है ये इतना क्लियर कैसे है? सर इसमें हमने है ना अपना ही एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का बायोमीडिया यूज किया है, इसकी वजह से ये इतना आपको क्रिस्टल क्लियर पानी दिख रहा है, बिकॉज ये पोरस स्टोन्स होते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया को कोलोनाइज करने के लिए और भी अच्छी जगह मिलती है। और सेकेंडली ये एक ऐसा बायोमीडिया है हमारा जिसमें आपको नेट बैग एंड वाटर केयर प्लस फ्री में मिलता है इंडियन कस्टमर्स के लिए, पॉकेट फ्रेंडली। और ऐसे कोई भी बायोमीडिया में ये आपको फ्री में नहीं आएगा। तो सर मेरा दो तीन क्वेश्चन है। सबसे पहला तो ये, अभी हमने काफी सारे प्रोडक्ट की बात करी, सॉइल की बात करी, फर्टिलाइजर देखा, फूड भी देखा हमने, तो क्या सर एक और कोई अपकमिंग प्रोडक्ट है एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया की ओर से? एक और नहीं है, बहुत सारे। ओके हमारा एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया में ये इंटेंशन है कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स आज के डेट में इंपोर्ट होते हैं वो सब हम इंडिया में बनाएंगे। एंड मैंने अपने वीडियोस में भी बोला है कि कोई इंटरेस्टेड पार्टीज हो या कोई हॉबीस्ट है जो कुछ यूनिक प्रोड्यूस करता है और हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है तो कर सकते हैं, एंड वी आर हैप्पी टू सपोर्ट, बट इंडियन प्रोडक्ट्स ही बनाएंगे एंड वी विल प्रमोट ओनली इंडियन मेड ब्रांड्स। आज मुझे भी अच्छा नहीं लगता बिकॉज हमारे यहाँ पे भी कुछ चाइनीज ब्रांड्स वगैरह है, बट होपफुली कुछ सालों में मैं हमारे लोकेशंस में सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स ही रखना चाहता हूँ, या हम बनाएंगे या दूसरे कंपनीज जो इंडियन प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको सपोर्ट करेंगे। ओके तो सर एक्वेरियम हॉबीज जो इंडिया में है क्या उन्हें भी मौका मिलेगा ऐसे प्रोडक्ट्स टेस्ट करने के लिए? डेफिनेटली मिलेगा। अभी हमारा सॉइल का हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम कुछ वी आर प्लानिंग अबाउट 100 हॉबीज जिनको हम बेचना चाहते हैं, तो ताकि वो उनके घर में ट्राई करें, बट दैट इज अ प्लान फॉर लेटर। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग हॉबीज सेलेक्ट करके देते जाएंगे। ओके ओके इट्स इंपॉर्टेंट दैट हॉबीस्ट जानकार हो, राइट? ओके वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीबॉडी बिकॉज वी नीड द राइट काइंड ऑफ फीडबैक, हमें एक करेक्ट फीडबैक चाहिए होता, तो यस इवेंचुअली वी विल डू इट। ओके तो सर वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे सर मौका मिला, पहले मुझे लग रहा था शायद 10 to 15 मिनट। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल में। ओके बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज अ यूट्यूब चैनल नाउडेज, एंड यू हैव कंसिडर्ड मी टू बी पार्ट ऑफ योर चैनल, सो इट्स माय ऑनर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर सो इन द एंड आपको एक और कोई सजेशन या कोई टिप्स पूरे एक्वेरियम हॉबिस्ट कम्युनिटी के लिए, स्पेशली इंडियन एक्वेरियम हॉबिस्ट के लिए? वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया। मेहनत हर जगह होता है, हमारा कोशिश ये है कि हम अच्छा प्रोडक्ट्स बनाएं। आपके लिए एक फायदेमंद चीज बताता हूं, जब आप कोई भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीदते हो एंड कुछ खराब होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, आप किसके पास जाओगे? आज के डेट में ऐसा कोई भी इंपोर्टर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वारंटीज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एज एन इंडियन प्रोडक्ट आप कभी भी मेरे ऑफिस में आके मुझसे पूछ सकते हो कि मैंने ये खरीदा है, आई हैड अ बैड रिस्पॉन्स, गिव मी समथिंग, या जो भी, आई एम हियर। ठीक है, ट्रस्ट द पीपल दैट आर हियर एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गिव यू अमेजिंग प्रोडक्ट्स। और जितने भी लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे फिश फूड लाइफ आयु का या न्यूट्रो प्लस, जितने भी लोगों ने ट्राई किया है, दे हैव ऑल गिवन अस फीडबैक कि यू नो दे आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट दे हैव। ओके सो आई मीन ट्रस्ट द इंडियन कंपनीज, वी आर डूइंग अ बेटर जॉब देन ऑल दिस चाइनीज कंपनीज, एंड प्लीज चाइना को पैसा मत दो। ठीक है, वो ज्यादा ट्रूप्स भेजेंगे अरुणाचल में। ऑलराइट सर, तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी यूट्यूब चैनल के लिए भी एंड फॉर एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया एज वेल। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल एज वेल, एंड जैसे मैं अपने चैनल में साइन ऑफ करता हूँ, थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कोलैबोरेशन वीडियो? आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड ऐसे ही किसी और गैलरी का विजिट या कोलैबोरेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप भोपाल या इंदौर से हैं एंड एक बढ़िया प्लांटेड एक्वेरियम चाहते हैं आपके घर या ऑफिस के लिए, तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें शिफू टैंक्स एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।